दिल्ली प्रवास के दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात किया और दो तीन महत्वपूर्ण उनके कार्य योजना का क्रियान्वयन किया गया। उसमें 22 तारीख को जो बैठक होने वाली है, जिसमें 22,000-25,000 कार्यकर्ताओं के साथ बूथ लेवल के लोगों से बात करेंगे और उसके साथ ही साथ उनके आगे 30 अगस्त के कार्यक्रम का भी अंतिम रूप दिया गया, जिसमें डोंगरगढ़ से विकास यात्रा के द्वितीय चरण का शुभारंभ डोंगरगढ़ से करेंगे। उसके लिए सहमति हुई। प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा हुई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात हुई। चर्चा में RRP2 के 1700 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क का स्वीकृति उनके यहाँ पेंडिंग है, उसके बारे में चर्चा हुई और उन्होंने कहा इसकी सहमति देंगे। स्पीकर लोकसभा से सौजन्य भेंट हुआ। छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों से, कांग्रेस बीजेपी के सभी सांसदों से रात्रि भोज में मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ के इशू कैसे सब मिल के एक साथ उठाएं, डेवलपमेंट इशू को लेकर, इस विषय को लेकर सबके साथ बातचीत हुई। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई और पीयूष जी की जो 7 बड़ी परियोजना छत्तीसगढ़ की है उसका शिलान्यास के लिए अलग अलग डेट लेने के बारे में आग्रह किया। रावघाट जगदलपुर 140 किलोमीटर 2500 करोड़, कोरबा पेंड्रा 135 किलोमीटर 4500 करोड़, पटघोरा मुंगेली कवर्धा डोंगरगढ़ 260 किलोमीटर 5900 करोड़, केंद्रीय धमतरी अभनपुर राजिम 67 किलोमीटर गेज कन्वर्शन का एक मामला है 543 करोड़, इसकी भी मंजूरी। चिरमिर नागपुर हाल्ट 10 किलोमीटर राजनांदगांव डोंगरगढ़ स्टेशन का रिमॉडलिंग का काम, रीडेवलपमेंट का योजना के बारे में भी इनसे चर्चा हुई। आदिवासियों को साधेंगे कह रहे राहुल गांधी। अच्छा है, कम से कम छत्तीसगढ़ आना चाहिए, छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में आइडिया भी होगा, उनको जानकारी भी होगा। और हम तो चाहते ही हैं कि कांग्रेस के भी सारे बड़े नेता आए, छत्तीसगढ़ को देखें, समझें।